my chef, very good morning, and thank you so much for such kind of wishes. Very good morning Soumya ji, and very good morning to all of you. Aap sabhi ko shubhprabhat. Ecology ka second part hum logo ko padhna hai aaj. Iske pehle hum logo ne ecology ke first part ko discuss kar liya tha, hai na? और फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लिया था. थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी. थैंक यू, गॉड ब्लेस. शक्ति तिवारी जी बहुत खुश रहिए, खूब मेहनत करिए, और आज का हमारा सेशन इसमें चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 16. थैंक यू सो मच अनुज जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट. देखिए, हम लोगों ने अब तक 13-14 काफ़ी टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, और अब हम थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, इकोलॉजी के क्वेश्चंस करने हैं अभी आज, और इसमें अप्रॉक्स 128 क्वेश्चंस हैं. 200 दोनों मिला के लगभग 260 क्वेश्चन थे हमारे इकोलॉजी के. आपको काफ़ी बेनिफिशियल लगा होगा. एक बात और, साथ ही साथ क्वेश्चंस का सेशन लगभग हमारा पूरा हो गया है, और हम अब एनसीईआरटी के रिवीजन पे मेन फोकस कर रहे हैं. इसमें हमने कल 3 चैप्टर लगभग ख़त्म कर लिया है, और एक चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से ख़त्म कर लिया है. अनुभव शुक्ला जी नमस्कार, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको. भगवान आपके लिए हर वो मार्ग प्रशस्त करे जिस पे आप चलना चाहते हैं. ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक होगा एनिमल किंगडम. हम ख़त्म करेंगे इवनिंग में, और साथ ही साथ हैप्पी टीचर्स डे टू माई न्यू एंड बेस्ट टीचर सेवन्या सिंह. थैंक यू सो मच सेवन्या, एंड थैंक यू सो मच रुद्रा एज वेल. आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें. चलिए, तो इवनिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी. ठीक है, आज के दिन में हमारा मेन टारगेट होगा कि हम 3 चैप्टर इसको पूरा करें, और जिससे अपनी 2 यूनिट को कम्प्लीट कर लें. ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम एफर्ट होगा आज से इसको ख़त्म करने के बाद. हमने जेनेटिक्स कर लिया है, हमने बायोटेक कर लिया, मॉर्फोलॉजी सॉरी ह्यूमन फिजियो करा, इकोलॉजी करी, रिप्रोडक्शन की यूनिट्स करी, जो आपने कहा वो सब किया. और अब आगे ऐसा मेरी सोच है कि अब एनसीईआरटी पे आपका ज़्यादा फोकस होगा आज के डेट में, तो हमारे आने वाले जो 3-4 दिन हैं इसमें पूरा फोकस एनसीईआरटी पे होगा. एक क्लास हम 10 बजे लेने वाले थे, लेकिन कुछ लोगों ने 10:30 पे कहा, तो मैंने उसको 11 बजे कर दिया है इसी टाइमिंग पे एनसीईआरटी की. और एक क्लास 4 बजे के आसपास, यानी 4 से 6, ये आपकी क्लास होगी. एक 11 और दूसरा 4 से 6. सभी लोग आ जाएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं. तो एक क्लास 11 बजे, और थैंक यू सो मच कृष्णा जी, गॉड ब्लेस यू. तो 2 क्लास होगी. अब 2 क्लास में मिला के तो हम 4 चैप्टर ख़त्म ही कर लेंगे. मतलब हमारा टारगेट होगा कि एक यूनिट हम कम से कम ख़त्म करें. आयुषी तिवारी, हैप्पी टीचर्स डे सर, थैंक यू सो मच आयुषी, गॉड ब्लेस. तो आज 2 यूनिट हो जाएगी. कल, यानी कि कल कितनी तारीख है, 6 तारीख है, तो 6 को भी हम लोग एक यूनिट ख़त्म कर लेंगे, 7 को भी एक यूनिट ख़त्म कर लेंगे, 8 को भी एक, 9 को भी एक, 10 को भी एक. तो 5 यूनिट तो ये हो गई, और 2 हमने ख़त्म कर लिया है. तो 5, 2, 7, हम 11 को भी करेंगे और 12 को भी करेंगे मॉर्निंग वाले सेशन में. तो हमारा मैक्सिमम प्रयास होगा कि जो जितनी यूनिट्स हैं वो हम कवर कर लें, और अगर हम कर पाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी 10 यूनिट कंप्लीट कर ही जाएँ. ठीक है, तो अब इसमें आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे बता सकते हैं. फिलहाल आइए स्टार्ट करते हैं. फ्यूचर द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी, कौन सा इसमें से ऐसा है जो इस ग्रेटेस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी शो करता है, तो जल्दी से बताइए कौन सा शो करता है. टुंड्रा, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिक्स या ग्रॉसलैंड, दोनों में से कौन सा करेगा बच्चों? चारों ऑप्शन में से कोई एक जल्दी बताना कौन सा सही होगा. जल्दी से करिए कमेंट, बहुत आसान सवाल है ये, बहुत ही आसान सवाल से शुरू किया गया है.
और मुझे ऐसी उम्मीद है कि हमारे एनसीईआरटी के सेशन से आपको फ़ायदा होगा, कुछ लोगों ने देखा होगा, ज़रूर बेनिफिशियल होगा। कोशिश हमारी होगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको फ़ायदा मिले, ठीक है। तो जिन लोगों ने क्लासेस वगैरह कर रखी हैं अच्छे से, वो ज़रूर इसको एंजॉय करें, देखें जिससे कि फ़ायदा हो। चलिए, वन का सी बहुत ही आसान सवाल है, ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट। सभी लोग एक बार ग्रुप में शेयर कर दें अपने करस्पॉन्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें आप जुड़े हों, जिससे कि और भी लोगों को इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाए। उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। तो 7 मिलियन स्पीसीज के बारे में हमें जानकारी है, मैं पहले से ही धन्यवाद आपको बोल दे रहा हूँ जिससे कि बकाया ना रहे, ठीक है। तो रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग, जिसमें से 1.7 मिलियन बच्चों याद रखना, 1.7 मिलियन हमें, या 1.7 टू 1.8, कल हम लिविंग वर्ड जब पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ पे ये बात आपसे बताई थी। तो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज के बारे में हमें नोन है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो पूछी गई है उसका आंसर होगा ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, स्पीसीज डाइवर्सिटी इज द प्रोडक्ट आउटकम ऑफ द स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज इवननेस। और आपको पता है स्पीसीज डाइवर्सिटी जो होती है ये स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस कितनी पाई जाती है और किस ऑर्डर में पाई जाती है, ये दोनों को डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी, कितनी है और परसेंट ऑफ एरिया कितना ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए जल्दी से। स्पीसीज रिचनेस इज द, स्पीसीज रिचनेस क्या होती है, अभी पीछे सेम सवाल पूछा उसी को एक्सप्लेनेशन, इसलिए वहाँ पे कम बोला था। स्पीसीज रिचनेस इज द नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट, नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन ए यूनिट एरिया, ये आपका स्पीसीज रिचनेस है। और प्रपोर्शन कितना है डॉक्टर साहब, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज, दिस इज, इसे क्या बोलते हैं, स्पीसीज इवननेस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। तो स्पीसीज रिचनेस वेयर द स्पीसीज इवननेस इज द प्रपोर्शनेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज। शिवान्या, अभी अगले क्वेश्चन में तुरंत आपको मिल जाएगा इवननेस मीन्स क्या होता है, प्रपोर्शनेट नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। अलग अलग स्पीसीज कितना प्रपोर्शन है, परसेंटेज मैंने बोला ना, कितना परसेंटेज है उसे बोलते हैं इवननेस, ठीक है। चलिए, तो 4 का ये बहुत अच्छा सवाल है, नीट के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमम डाइवर्सिटी अकर्स वेयर, मैक्सिमम डाइवर्सिटी अकर्स वेयर क्या होगा, स्पीसीज ऑफ टैक्सोनॉमिक डिफरेंट ग्रुप्स अकर्स इन ऑलमोस्ट इक्वल अबंडेंस, स्पीसीज ऑफ टैक्सोनॉमिकल डिफरेंट ग्रुप्स अकर्स इन ऑलमोस्ट इक्वल एविडेंस, ये बात हो सकती है। स्पीसीज ऑफ टैक्सोनॉमिक सेम ग्रुप अकर्स इन ऑलमोस्ट इक्वल एविडेंस, टैक्सोनॉमिक डिफरेंट ग्रुप्स मैक्सिमम डाइवर्सिटी में आएंगे, है ना। गुड मॉर्निंग कुसुम पांडे, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आंसर इज ए एट देयर, इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप कर लेंगे इसको, है ना, परेशान नहीं होने की जरूरत है। 5 का ए, बाकी में लैंग्वेज इश्यूज हैं। तो स्पीसीज ऑफ टैक्सोनॉमिकल डिफरेंट ग्रुप्स अकर्स इन ऑलमोस्ट इक्वल एविडेंस, मैक्सिमम डाइवर्सिटी की बात हम वहीं करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। 6, आइडेंटिफाई सेक्रेट लेक्स ऑफ इंडिया, एनसीईआरटी की लाइन है ये, सेक्रेट लेक्स ऑफ इंडिया, पुष्कर लेक ऑफ राजस्थान एंड केचुपल्ली लेक्स ऑफ सिक्किम, आंसर इज ए एंड बी, ओके सी आंसर हो जाएगा, ए एंड बी सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 7, सेक्रेट ग्रुप्स आर द आइसलैंड ऑफ प्रिस्टीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान एंड खासी जयंतिया हिल्स ऑफ मेघालय, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ओके, सरगुजा चंदा एंड बस्तर रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। तो आंसर क्या होगा डॉक्टर साहब, आंसर इज द डी, क्या होगा आंसर, आंसर इज द डी एट देयर, ठीक है, डी एट देयर, वेरी गुड मॉर्निंग अर्शी। व्हिच टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम टू इंडिया पजेस, कौन सा इकोसिस्टम इंडिया में है, तो डिजर्ट रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड, एस्टुरीज एंड अल्पाइन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो 8 में आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, सारे के सारे हमारे यहाँ पे सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। ये सब बेटा फैक्ट हैं, इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अकॉर्डिंग टू IUCN द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब सो फार इज स्लाइटली मोर देन, स्लाइटली मोर देन, अब देखिए कितना घुमा के पूछते हैं, स्लाइटली मोर देन तो कितने से ज्यादा, स्लाइटली मोर देन 1.5, ए 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा की बात कर रहे हैं,
1.5 मिलियन से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। एग्जैक्ट कितना होता है, 1.7 टू 1.8 मिलियन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज मोर देन प्लांट इंक्लूडिंग एल्गी फंजाई ब्रायो जिम्नो एंड एजियोस्पर्म अकाउंट फॉर नियरली ऑफ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम बात करें प्लांट्स की तो लगभग 70% एंड एंजियोस्पर्म अकाउंट नियरली 22%, शायद एग्जैक्ट याद आ रहा है 70 प्लस 22, तो 10 का आंसर हो जाएगा 70% एंड 22%। ये फैक्ट है, अगर कोई इधर उधर होता है तो प्लीज़ एक बार आप चेक भी कर लेना, फैक्ट में कोई सी भी स्लिप हो सकता है, बट मेरा मैक्सिमम प्रयास है कि सही है, भरोसा रखिए। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल फिशेस एम्फीबिया मैमल एम्फीबिया। देखिए सबसे ज़्यादा अगर स्पीसीज हैं तो फिशेस की है, यहाँ पे तो सवाल गलत ही नहीं होता किसी का। तो सबसे ज़्यादा अगर हैं तो कौन सी हैं, फिशेस हैं, और सबसे कम अगर होंगी तो कौन सी होंगी, मैमल्स हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा फिशेस, कन्फ्यूज़न ही खत्म हो जाएगा यहाँ पे। 12, एमंग प्लांट्स एल्गी ब्रायो टेरिडो जिम्नो मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज रिप्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, 69,000 स्पीसीज अप्रॉक्सीमेटली हैं इसके। 12 में क्या होगा आंसर, एंजियोस्पर्म। आइडेंटिफाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी, अभी हम लोगों ने पीछे कहा मैमल्स एम्फीबिया, एम्फीबिया के पास कौन मिलेगा, रेप्टाइल या बर्ड होगा आई थिंक, तो मैमल बर्ड रेप्टाइल एम्फीबिया चेक कर लेना एक बार। तो ये क्या हो जाएगा, फिशेस, और मैंने पहले कहा फिशेस सबसे ज़्यादा है। चलिए, इंडिया इज द डिवाइडेड इनटू 10 जियोग्राफिकल रीजन, कितना, 10 जियोग्राफिकल रीजन, 10 में डिवाइड है, कितना है, 10 में डिवाइडेड ऑप्शन, 10 जियोग्राफिकल रीजन, ठीक है, 10 जियोग्राफिकल रीजन। 14, 15, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इन सीटू एंड इक्सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। इक्सीटू को छांट लो, आसान होता है छांटना, जूलॉजिकल पार्क, यस, जीन बैंक, जीन बैंक, सीड बैंक, ये होम गार्डन के बीच में कॉमा होगा, होम गार्डन, तो होम गार्डन, सीड बैंक, जीन बैंक, चार तो ये हो गया, और बॉटनिकल गार्डन, कोई आंसर आया है, नहीं आया है। 15 में तो A5 ए होना चाहिए, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 हो गया है ना, 5 हो गया, तो आंसर अच्छा सवाल है ये, और बाकी 5 आपके क्या हो जाएंगे, इन सीटू हो जाएंगे, है ना बच्चों। इंडिया विद ओनली 2.4% लैंड एरिया पजस 8.1% डाइवर्सिटी, एक अच्छा सवाल ये भी, सिर्फ इतने कम जमीन है हमारे पास, फिर भी हमारे पास, तो इसीलिए तो कहते हैं स्पीशीज रिचनेस इंडिया में ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे ग्लोबल एस्टिमेट ओनली 22% ऑफ टोटल स्पीसीज नोन, 22% ऑफ टोटल स्पीसीज नोन, चलिए आंसर बताइए 17 का। एक सेकेंड वेट करें थोड़ा सा, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, एक सेकेंड का टाइम दें।
बस बेटा एक मिनट, नेट कुछ टेक्निकल इशूज हैं, थोड़ा सा अभी रिजॉल्व हो जाएगा, हो जाता है कभी कभी। चलिए बस वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था, सही हो रहा है। चलिए तो स्टार्ट कर दो बेटा, बस हो गया। 17 का आंसर कर लिया आप लोगों ने, ए आंसर हो गया है ना। चलिए गुड, ए आंसर करके आगे बढ़िए। चल अगले पे आइए, 18 पे। अप्लाइंग द रोबोट मे ग्लोबल एस्टिमेट मोर देन द प्लांट, मोर देन द प्लांट कितना होगा जल्दी बताइए, प्लांट्स के बारे में जल्दी बताओ भाई। तो आंसर भी आ गया, बताइए जल्दी बताइए। 18, आज आपको ज्यादा बताना है क्योंकि आपको याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होता तो मैं खुद बोलता। 1 लाख स्पीसीज होनी चाहिए प्लांट की और एनिमल्स की, कितनी 3 लाख, ये आपको पढ़ना होगा, याद करना होगा है ना। आप लोग आंसर करो ना, आप तो आना चाहिए आपके पास है ना। चलिए 19, देयर आर 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री एंड एमंग इंडिया आई थिंक रैंक 8th है ना, तो 12 मेगा डाइवर्सिटी है जिसमें 8th रैंक इंडिया की है ना। चलिए बच्चों 19 का ए आंसर हो गया, ठीक है 19 का ए आंसर हो गया। 12 मेगा डाइवर्सिटीज कंट्रीज हैं जिसमें से इंडिया 8वें नंबर पे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे आइए फटाक से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नो ह्यूमन जोन, कौन सा नो ह्यूमन जोन है इन अ बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कौन से जोन में ह्यूमन की एंट्री नहीं हो सकती। तो ट्रांजिशन जोन, बफर जोन, नेचुरल या सी जोन, सी वाला जो आपका है, ये यहाँ पे कोई भी ह्यूमन की एंट्री नहीं है, यहाँ पे ह्यूमन का कोई भी फंक्शन पॉसिबल नहीं है। 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मैमल्स आर मोर डाइवर्स देन रेप्टाइल, मैमल्स आर मोर डाइवर्स देन रेप्टाइल, नहीं, वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबिया, वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबिया एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट, यस बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट सही है, वेस्टर्न घाट में एम्फीबिया ज़्यादा होते हैं कंपेयर देन वेस्टर्न घाट के। व्हाई इंसेक्ट आर मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल ऑफ द अर्थ, क्योंकि इनके पास काइटनस कवरिंग होती है। विद रिस्पेक्ट टू स्पीसीज डाइवर्सिटी, दीज हैव द स्ट्रॉन्ग काइटिनस क्यूटिकल विद कवर्स द होल बॉडी एक्सोस्केलेटन, परसों जो हम लोग इवनिंग में पढ़ रहे थे तो बात करी थी हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में है ना। तो ये रैपिड रिविजन नाम की सीरीज है मैंने स्टार्ट करी है, उसमें आपको एपिसोड 1, 2, 3, 4 करके सारे आपको मिल जाएंगे और 12th के भी चैप्टर्स मैक्सिमम कवर करेंगे विद इन 4 डेज, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 22 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, फिशेस आर मोर डाइवर्स देन बर्ड, बर्ड्स आर लेस डाइवर्स देन रेप्टाइल, अगर ये ध्यान रखिएगा बर्ड्स आर लेस डाइवर्स देन रेप्टाइल, तो ये वर्ड हमें ठीक लग रहा है क्योंकि यही गलत है, और फिशेस मोर डाइवर्स बर्ड से होती ही हैं है ना, मैमल्स कम डाइवर्स होते हैं, एम्फीविया बर्ड से कम होता है, तो बी ही है जो गलत है। चलिए अगला 24, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट हार्वेस्टिंग ऑफ द टिम्बर, टेलिंग ऑफ लैंड्स एंड प्राइवेट ऑनरशिप आर अलाउड, बताइए कहाँ पे अलाउड है प्राइवेट ऑनरशिप। तो भैया नेशनल पार्क में अलाउड नहीं है और कोर जोन में कोई जा नहीं सकता, तो प्राइवेट ऑनरशिप की तो बात छोड़ दीजिए। तो 24 का ए आंसर आपका हो जाएगा सिंपली है ना। सेंचुरी में मैक्सिमम डाइवर्सिटी अकर्स इन द लैटिट्यूडनल रेंज, तो लैटिट्यूडनल रेंज आप देखेंगे तो इस रेंज में जहाँ पे आप रहेंगे 23 से नॉर्थ टू साउथ दोनों तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पे डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होगी।
और आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं डाइवर्सिटी घटती चली जाती है, तो ये आंसर तो आप छोड़ दीजिए तीनों, ए आंसर होगा सिंपली 25 का ए. 26, विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट, एज मी मूव फ्रॉम हाई लैटिट्यूड टू लेट डाइवर्सिटी इंक्रीज डिक्रीजेस. हाई लैटिट्यूड टू लो लैटिट्यूड डाइवर्सिटी डिक्रीज, बिल्कुल सही. एज बी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द डाइवर्सिटी इंक्रीजेस. क्या बात कर रहे हैं, ये भी तो गलत है और ये भी गलत है. ट्रॉपिकल अमेजन फॉरेस्ट हैज द ग्रेट बायोडायवर्सिटी ऑन द अर्थ, ये ठीक है. आउट ऑफ 10 एनिमल्स द थ्री देयर आर 7 आर इंसेक्ट, तो सी आंसर हो जाएगा. देखिए किसी ने किया है पता नहीं, आया नहीं अभी तक कमेंट, आ गया है अभी 26 का तो नहीं आया है. व्हाइट बायोडायवर्सिटी इज रिच इन द ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन में बायोडायवर्सिटी क्यों रिच है, क्योंकि वहाँ पे सीजनल वेरिएशन बहुत कम होता है, वहाँ पे मोर सोलर एनर्जी प्रोड्यूस अवेलेबल होती है और ट्रॉपिकल रिमेन अनडिस्टर्ब, ट्रॉपिक को डिस्टर्ब नहीं करता. तो ये तीनों पॉइंट्स आपके हैं जो सही हैं और डी आंसर इसीलिए हो जाएगा. एक बढ़िया सवाल है ये भी, डी आंसर हो जाएगा बच्चों. 28. The historic convention on the biological diversity, the Earth Summit was held on, I think, Rio de Janeiro in Brazil, and the World Summit on the Sustainable Development was held in Johannesburg 2002 में. तो Earth Summit 92 में और दूसरी वाली जो आपकी World Summit है वो कब हुई, Johannesburg में हुई है. तो आप A आंसर कर लो इजीली, बहुत ही आसान हो जाएगा सवाल आपके लिए. 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 22, 23 नंबरिंग तो ठीक है सबके. बताइए क्वेश्चन का आंसर. कुछ देख रहा था मैं, 29 का आंसर बताइए. जेड क्या होता है यहाँ पे, जेड आई थिंक स्लोप ऑफ लाइन होता है ना बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन चेक करना जरा. और जो सी है वो इंटरसेप्ट होता है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी ऐसे लिखते हैं ना. सी आंसर हो जाएगा. सी आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है. चलिए 30, इन विच द फॉलोइंग प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बोथ फ्लोरा एंड फना, फ्लोरा एंड फना दोनों को प्रोटेक्शन करते हैं. तो नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व. अब इसमें सेंचुरीज में कर सकते हैं, नेशनल पार्क में भी कर सकते हैं, मोर देन वन ऑप्शन कर दीजिए. ईजी है, इजी सवाल हो जाएगा, मोर देन वन ऑप्शन है ना, आसान हो जाएगा हमारे लिए. तो आगे आइए, द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ रिग्रेशन ऑफ द स्पीशीज रिलेशनशिप, तो फ्रूगी वोर बर्ड एंड मैबल इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. देखिए ये भैया याद करने वाला सवाल है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है इसमें ए आंसर दिया है 1.15, चेक कर लेना एक बार एनसीईआरटी में. इसी ग्राफ के नीचे शायद लेफ्ट साइड में ही लिखा हुआ है, तो एक बार आप देख लेना, मेरे हिसाब से यही दिया हुआ है, ठीक है. 32, द रीजन ऑफ द लैंड वेयर द स्पेशली एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्टर्बेंस, किसी भी प्रकार का उन्हें डिस्टर्बेंस नहीं दिया जाता है, इसे क्या बोलते हैं आप जल्दी से बताइए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क. मुझे लगता है नेशनल पार्क होना चाहिए. 32 का आंसर.
32 नहीं 33 नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। 32 का डी नहीं सी होगा, चेक कर लो एक बार। प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, नेशनल डिस्टर्बेंस। नेशनल पार्क में तो डिस्टर्ब कर ही सकते हैं लोग, जाके डिस्टर्ब कर देते हैं लोग। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इजाज़त नहीं होती है, नेशनल पार्क में लोग कर देते हैं, पत्थर उत्थर मार देते हैं उठा के, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ना। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करिए। चलिए अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सोच के आंसर करना है, किताबी भाषा नहीं है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, ध्यान रखना इनकरेक्ट। तो कम्युनिकेट विथ मोर स्पीसीज टेन टू बी मोर स्टेबल देन हिज लेस स्पीसीज। ए स्टेबल कम्युनिटी डज नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई स्टेबल है तो हर साल उसकी जो वेरिएशन होता है वो कभी बहुत तो कभी बहुत कम नहीं, बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ए स्टेबल कम्युनिटी हैज़ लेस बायोडाइवर्सिटी। आसान हो गया सवाल हमारे लिए। स्टेबल कम्युनिटी की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, कम नहीं होती है ना, उसका वेरिएशन फिक्स होता है लगभग, याद रखना। स्पीसीज डाइवर्सिटी इन एन एरिया इज इम्पॉर्टेंट फॉर रेजिस्टेंस प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी ऑल ऑफ दिस। स्पीसीज डाइवर्सिटी इन एन एरिया इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्पीसीज डाइवर्सिटी। सबके लिए होता है, स्टेबल भी होगा, रेजिस्टेंस भी होगा कहीं ना कहीं, है ना, और प्रोडक्टिविटी भी ठीक ठाक होगी। तो आंसर डी करिए, यहाँ पे डी करिए आंसर, ठीक। द ओल्ड नेम ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये पहला नेशनल पार्क है हमारे, हमारे जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है। अंसी नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क, बांदीपुर, ब्लैक बक। पुराना सवाल है ये, हैली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम था, बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है। इन द रिवर पॉपर हाइपोथेसिस, किसने दिया इसको, इकरलिक ने दिया। कंपेयर्ड इकोसिस्टम विद एयरप्लेन अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई ए एंड बी विच वर कंपेयर टू रिवर्ट्स एंड रिवर्ट्स ऑन द विंग्स। ओके, तो रिवर्ट्स को इन्होंने क्या कहा डॉक्टर साहब, स्पीसीज कहा, रिवेट्स को स्पीसीज कहा, और रिवेट ऑन विंग्स को कीस्टोन स्पीसीज कहा, है ना, कीस्टोन स्पीसीज कहा। तो अब आंसर क्या करेंगे, ए को स्पीसीज और बी को कीस्टोन, तो 36 का सी आंसर कर लो, 36 का सी आंसर कर लो इजीली बच्चों, ठीक है। चलिए आगे आइएगा जल्दी से, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पॉल इकरलिक बाय हिज एक्सपेरिमेंट रिवर प्रॉपर हाइपोथेसिस ट्राई टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी। हाँ बिल्कुल, ये उन्होंने कहा कि बायोडाइवर्सिटी का जो इफेक्ट होगा वो समय के साथ क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। जैसे जैसे स्पीसीज गायब होंगी इकोसिस्टम में क्या प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज हैव सम रोल टू प्ले इन इकोसिस्टम, ये भी बात ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी इज नॉट मीनिंगलेस, बायोडाइवर्सिटी बिना मतलब की बात नहीं है, मीनिंगलेस बात नहीं है। तो पहले एटलीस्ट दो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हैं जिन्हें हमें बहुत तवज्जो देनी है, तो आंसर डी तो हम कर लेंगे इजली। 38, डेविड टिलमॉन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लांट्स कन्फर्म इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी। ये बात तो ठीक लगी भाई, ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी तो प्रोडक्टिविटी की बात हम ज़्यादा कर सकते हैं। प्लांट्स विद मोर स्पीसीज सोज लेस एयर टू एयर वेरिएशन इन द टोटल मास। प्लांट विद मोर स्पीसीज सोड लेस एयर टू एयर वेरिएशन, यानी कि ये कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, है ना, किसकी तरफ जा रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो बी आंसर कर लेंगे बच्चों, बी आंसर कर लेंगे, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, इजी क्वेश्चन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, माइनर स्पीसीज हैज गॉट नो इम्पोर्टेंस इन इकोसिस्टम, ऐसा नहीं है, होता है। ओनली ह्यूमन बींग हैव देयर इंपॉर्टेंस ऑन द अर्थ, नहीं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया फंजाई आर नो यूज ऑफ द इकोसिस्टम, बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर इकोसिस्टम में डिकम्पोजर नहीं होंगे तो लाशों का ढेर हो जाएगी पूरी पृथ्वी। पैथोजन विच काजेज सीवियर ह्यूमन डिजीज एंड आर नॉट ए पार्ट ऑफ फूड वेब चेन मैट बी एक्सटेंड। पैथोजन, अब ये भी सही है, 39, विच कॉज सीवियर ह्यूमन डिजीज एंड नॉट ए पार्ट ऑफ फूड वेव या फूड चेन टू बी मेड एक्सटिंक्ट, ऐसा
तो ये तीनों स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से ध्वस्त हैं, गलत हैं। अब डी आंसर ये है, जो एक्सटिंक्ट तो नहीं करेंगे, मतलब ठीक है सुब्री ये ठीक लग रहा है। पहली बात तो ये फूड चेन का पार्ट नहीं है, इसलिए मोस्ट ऑफ द करेक्ट है ये, एंड शुड बी मेड एक्सटिंक्ट, हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ा ना, फूड चेन का पार्ट नहीं है तो फिर हो सकता है, और जो भी फूड चेन का पार्ट नहीं है वो गायब हो सकता है, तो फिलहाल और सारे गलत हैं, तो डी आंसर कर लेंगे। विद द चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशन सम स्पीसीज डिसअपीयर एंड सम रिमेन, सम स्पीसीज डिसअपीयर एंड सम रिमेन, दिस लॉस ऑफ स्पीसीज व्हिच अकर्ड इन द जियोलॉजिकल पास्ट एट ए वेरी स्लो रेट इज कॉल्ड, शुरुआत में जो बहुत स्लो चल रहा था क्या बोलेंगे इसको, मास एक्सटिंक्शन, जो नॉर्मली चल रहा था, पांच बार अब तक आ चुका है नेचुरली। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एक्सटेंशन व्हिच अकर ड्यू टू द बिग नेचुरल कैटास्ट्रोफ इज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, अब जो आने वाला है वो एंथ्रोपोजेनिक से आएगा, 42 का डी नहीं 42 का बी, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के द्वारा होगा। एक मिनट, एक्सटेंशन व्हिच अकर्स ड्यू टू बिग नेचुरल, वेरी सॉरी, नेचुरल होगा भाई, सी होगा आंसर, ठीक है, सी होगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन इज कॉजिंग सिक्स इंसेस, इंसान के वर्क के द्वारा छठी बार प्रलय आएगी, और वो प्रलय जो आएगी उसके लिए उसकी रफ्तार कितनी होगी, तो 100 से 1000 गुना ज्यादा, 1000 टाइम्स मोर, खतरनाक। आईयूसीएन रेड लिस्ट 2004 डॉक्यूमेंटेड द एक्सटेंशन ऑफ ए 784 स्पीसीज, 784 स्पीसीज आर देयर, पहली बात। दूसरा, स्पीसीज इन द लास्ट 500, इट इंक्लूड्स क्या, 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स, जहां तक मुझे रिकॉल हो रहा है ए आंसर जाना चाहिए। कॉलोनाइजेशन ऑफ द ट्रॉपिक पैसिफिक आइसलैंड ऑफ ह्यूमन हैव रिजल्ट इन द एक्सटेंशन ऑफ मोर देन 2000 बिल्कुल 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, कितनी 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। प्राकृतिक प्रलय को नेचुरल कैटास्ट्रोफ बोलते हैं, प्राकृतिक प्रलय जो आएगी वो नेचुरली तो आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द अंडरगॉन रिसेंट डिस्टिंक्शन, क्या गायब हुआ, डोडो मॉरिशस क्वागा अफ्रीका थैलासिन ऑस्ट्रेलिया स्टीलसिका रसिया एंड थ्री सब स्पीसीज बालीजवान कैस्पियन, सब तो इतना रट डालते हैं आप लोग, और ये सवाल मैचिंग में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, मैचिंग में पूछा जाता है, कर लेना। 47 इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द रीजन में लीड टू, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगर गायब होगी तो क्या होगा, डिक्लाइन इन द प्लांट प्रोडक्शन, लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्टर्बेशन सच एज ड्रॉट, बिल्कुल जो हम प्राकृतिक आपदाओं को झेल लेते हैं उन्हें नहीं झेल पाएंगे, इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन द सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी वाटर यूज पेस्ट एंड डिजीज। हमें तो लगता है ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी में लिखे गए हैं और वहाँ पे उन्होंने कहा है कि भैया ये सब याद कर लेना, ये सारी तकलीफ आपको हो जाएगी, है ना, ये सारे दर्द होने वाले हैं अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ तो, इसलिए बायोडाइवर्सिटी को बचाए रखना भी बहुत ही आवश्यक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इवल क्वार्टेट, जो जरूरी बुराई हैं, मतलब जो बुराई हैं इविल क्वार्टेट जो हैं उसमें क्या शामिल नहीं है, हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशन से सबसे खतरनाक वाला यही है, सबसे इंपॉर्टेंट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड को एक्सटेंशन, और ये अगला है को इवोल्यूशन। देखिए कितना एग्जामिनर खतरनाक है, को एक्सटेंशन को इवोल्यूशन लिख दिया और हमसे आंसर मांग रहा है, तो हम तो आंसर कर ही ले जाएंगे डी, बट एग्जाम में बचा पाएं तो बहादुरी होगी। 49 पार्थिनियम जो कैरेट ग्रास है, गेहूं का मामा, ये आया था केम अलॉन्ग विद द व्हीट, ए का 4 दो कदम, लैंटाना कमारा इकॉर्निया क्रेसिपस एंड क्लेरियास क्रेसिपिनस,
तो लैंटाना का मारा छोड़ो, एक और नहीं, यहाँ पे आओ। इंट्रोड्यूस एक्सीडेंटल एंट्री ऑफ ट्रॉपिकल अमेरिका इन टू इंडिया। तो ये आसान सवाल था, एक्सीडेंटल एंट्री थी लैंटाना कमारा की, ये तो बाई चांस चला आया। 49 में अगर आप देखेंगे तो बी का फर्स्ट हो जाएगा, है ना, ये बाई चांस चला आया। तो अब सी में आए, सी इज सेकेंड इंट्रोड्यूस बाई यूरोपियंस इन द इंडिया। तो 49 में कर लो आंसर जल्दी से, सी आंसर। में सी आंसर कर लो। चलिए अगला बताइए, 50 बताइए बेटा। आज हम थोड़ा आराम से कर रहे हैं क्योंकि फीलिंग लिटिल बिट अनकंफर्टेबल, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन हम कर लेते हैं, धीरे धीरे हो जाएगा, ना करने से तो अच्छा है कि हो जाए, है ना। चलिए इसका आंसर आ गया होगा, बहुत से लोगों ने ए आंसर करना है इसमें, ए लार्ज नंबर ऑफ प्रेडेटरी, ये फैक्ट है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है। तो नील पर्च जो है ये ए लार्ज प्रेडेटरी फिशेस है जो इंट्रोड्यूस किया गया लेक विक्टोरिया में ऑफ द ईस्ट अफ्रीका। नील पर्च एलिमिनेटेड 200 स्पीसीज ऑफ द चिचल्ड फिशेस। ठीक है डॉक्टर साहब, 50 का ए। 51 एग्जॉटिक एलियन स्पीसीज हैव द मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑन द आइसलैंड इकोसिस्टम बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो बहुत से रीजन हो सकते हैं इसके। इनलैंड्स की अगर हम बात करें तो इनलैंड्स और द स्मॉल साइज, तो 51 में क्या आंसर हो जाएगा भाई, क्या इफेक्ट करेंगे आके। इनलैंड हैव द स्मॉल नंबर ऑफ स्पीसीज, एक्जॉटिक एलियन स्पीसीज हैव द मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑन आइसलैंड इकोसिस्टम बिकॉज ऑफ। तो स्मॉल साइज, स्मॉल एरिया, स्मॉल नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है, एक्जॉटिक एलियन स्पीसीज हैव द मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट, कब ज्यादा करेगा। तो इस एरिया भी कम है, नंबर भी कम है, और हार्बर मच ऑफ द वर्ल्ड्स थ्रेटेंड बायोडायवर्सिटी। लो सारे सही हैं, सारे सही हैं। ज़्यादा नुकसान तभी पहुंचा पाएगा ये जब इस एरिया कम हो, नंबर कम हो, तो ये नुकसान कर सकता है, ज़्यादा नुकसान कर सकता है ना। 52 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ससेप्टेबिलिटी टू द एक्सटेंशन, कॉज ऑफ ससेप्टेबिलिटी मानी कब गायब हो सकते हैं। स्मॉल बॉडी साइज, लार्ज प्रोपोर्शन, हाई रिप्रोडक्टिव, कम भी नहीं हो सकता ऐसा, नेवर नेवर पॉसिबल। ये तो नेचुरल, मतलब ये तो फिनामिना था उनका, डार्विन का, कि ऐसे ही लोग सर्वाइव करेंगे। लोअर ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन, ग्रेट क्वेश्चन। कल हमने ये सवाल किया था कि सबसे ज्यादा गायब होने के या वल्नरेबल होने के किसके चांस हैं, तो T4 के, उसके कम, T3 के, उससे कम, T2 के, और उससे कम, T1 के। लोअर ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन कभी गायब नहीं हो सकता। एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू चेंज हैबिटेट एंड माइग्रेटरी रूट, जो अपनी आदत बदल ले और जो माइग्रेट कर ले, मौका पड़ने पे भाग जाए और मौका पड़ने पे अपनी आदत कर ले, खुद को सरेंडर कर दे, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। और अगली लाइन, इन एबिलिटी टू स्विच ओवर टू एन अल्टरनेटिव फूड रिसोर्सेज व्हेन द ओरिजिनल, जैसे कहते हैं शेर नहीं खाएगा वो ठीक है, लेकिन घास नहीं खाएगा, तो नहीं घास खाएगा, तो फिर संख्या भी देखिए कितनी है आज की डेट में, संख्या भी देखिए शेरों की संख्या। शेर बहुत लोग कहते हैं हम शेर हैं, तो शेर हैं तो फिर शेर बहुत कम होते हैं, याद रखिएगा सब, है ना। मजाक मजाक में कई बातें हमने बोली लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, को एक्सटेंशन कैन अकर इफ द टू स्पीसीज विच आर एसोसिएटेड सिम्बायोटिकली वन ऑफ इट्स गेट एक्सटिंक्ट। 53 में क्या को एक्सटेंशन हो सकता है ऐसे केस में, अकर इफ टू स्पीसीज विच आर एसोसिएटेड सिम्बायोटिकली वन ऑफ इट्स गेट एक्सटिंक्ट, कैसे हो सकता है। अगर जो साथ साथ रहते थे, एक साथ रहते थे, अगर उसमें से एक भी डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या दूसरा रह पाएगा, नहीं। सुंदरवन आर द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, डोडो स्टीलर सिकाऊ पैसेंजर पिजन है बिक्सिम लास्ट 500 ईयर ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो आंसर इज डी कर लो चुपचाप। 54 इंडिया
1490 448 10 ये याद करना पड़ेगा आपको, है ना। अब यहाँ पे तो 14 बायोस्फीयर 1490 नेशनल पार्क सी 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लैंड सरफेस ऑफ लैंड सरफेस, जरा ये डाटा एक बार चेक करिएगा कि लैंड सरफेस कितना है। 4.7 ही होना चाहिए ज्यादातर, 10 तो कॉन्टिनेंटल्स हैं मतलब ज्योग्राफिकल एरियाज हैं। एक बार ये डाटा चेक कर लेना 4.7 वाला, बाकी तीनों सही है। 1490 448 तो ये दो में है, तो मेरे हिसाब से ए हो सा होना चाहिए, है ना। एक बार आप प्लीज़ एनसीईआरटी से ये वाला 10 वाला जरा एक बार देख लीजिएगा, मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, 4.7 लग रहा है, जरा देख लीजिए एनसीईआरटी में चेक करो एक बार फटाक से पलट के, कोई भी कल चेक करे प्लीज़। 55 व्हिच आर द फॉलोइंग टर्म्स इंक्लूड ऑल ऑफ द अदर्स स्पीसीज डाइवर्सिटी, देखिए ऐसा सवाल हमने कल भी पूछा था, ऐसा सवाल हम कि एक टर्म बताइए जो बाकी सारे को शामिल कर, जैसे हेटरोट्रॉफ का शामिल कर लिया था कल, अगर आपने सभी लोग कल रहे हो तो ये सारे टर्म तीनों ये बायोडाइवर्सिटी में आ जाते हैं, है ना। स्पीसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिकल डाइवर्सिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ऑल इंक्लूड इन द बायोडाइवर्सिटी। टर्म गिवन बाई एडवर्ड विलिशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज मोस्ट थ्रेटेंड बाई ग्लोबल एक्सटेंशन, सबसे ज्यादा खतरा किसको है, एम्फीबिया को है, सबसे ज्यादा खतरा एम्फीबिया को है, ये बात याद रखना, सबसे ज्यादा डर एम्फीबिया को है। विच ऑफ टर्म डिड एडवर्ड ऑस्बॉर्न विल्सन क्वाइन फॉर आवर इनेट एप्रिशिएशन ऑफ वाइल्ड एनवायरमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्होंने इनेट मतलब अप्रिशिएट करने के लिए वाइल्ड एनवायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म को कौन सा टर्म दिया, बायो रेमेडिएशन, बायोथिक्स, बायोफिलिया या लैंडस्केप इकोलॉजी। जी और एक बात और कहना चाहूंगा, एडवर्ड विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी टर्म भी दिया है, ये मैंने अभी आपसे पीछे बोल दिया। तो एक मिनट भैया, चलिए 57 का आंसर जल्दी से बता दीजिए। फिफ्टी सेवन का आंसर सी होगा, याद कर लीजिए सी होगा। 58 वी शुड केयर अबाउट लॉस इन बायोडाइवर्सिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ द अदर स्पीसीज बिकॉज क्यों केयर करते हैं कोई बताए जल्दी से, क्योंकि पोटेंशियल लॉस ऑफ मेडिसिनल प्लांट एंड अदर प्रोडक्ट येट अनडिस्कवर्ड फ्रॉम द थ्रेटेंड स्पीसीज। ओके, पोटेंशियल लॉस ऑफ जीन्स सम ऑफ द व्हिच मे कोड फॉर प्रोटीन यूजफुल टू ह्यूमन, द रिस्क ऑफ ग्लोबल इकोलॉजिकली इनस्टेबिलिटी, तो ऑल आर द करेक्ट, इसलिए करते हैं सारे के सारे सेंटेंस सही है। द मोस्ट सीरियस कंसिक्वेंस ऑफ डिक्रीज इन द ग्लोबल डाइवर्सिटी वुड बी द लॉस ऑफ सोर्स ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी टू प्रिजर्व द एंडेंजर्ड स्पीसीज। ओके, इंक्रीज द अबंडेंस एंड डाइवर्सिटी ऑफ द एज अडॉप्टेड स्पीसीज नहीं, डिक्रीज करने की बात करें ना, मोस्ट सीरियस सिक्वेंस कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिक्रीज पोटेंशियल लॉस ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज व्हिच मींस ह्यूमन बीइंग डिपेंडेंट। बिल्कुल, अगर इकोसिस्टम सर्विसेज घट जाएं तब तो पक्का है कि लॉस हो जाएगा, क्योंकि इंसान उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो 59 का सी, द मोस्ट डायरेक्ट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी इज increased level of atmospheric CO2, depletion of ozone layer, habitat destruction, सबसे ज़्यादा मैंने आज ही कहा था सबसे ज़्यादा खतरा तो habitat destruction से ही है ना बच्चों। introduced species can have the deleterious effect on the biological communities by displacing native species, preying on the native species, competing with native species for the food and shelter, या all of these। तो
स्पीसीज कैन हैव डेलेटरियस इफेक्ट ऑन द बायोलॉजिकल कम्युनिटी. अगर डिस्प्लेस कर देंगे तो भी हो जाएगा, प्रेइंग हो जाएगा तो भी हो जाएगा, फूड शेल्टर में कंपटीशन होगा तो भी हो जाएगा. तो आंसर इज डी आर देयर. 62. All of the following true about hotspot. All the plant and animal containing genes that may be useful to human kinds are located in Earth's hotspot. मुझे ये स्टेटमेंट बहुत सही नहीं लग रहा है. वन थर्ड ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑन द अर्थ ऑक्युपाई लेस देन 2% ऑफ लैंड एरिया. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. 34 याद रखना, 3 याद रखना और ये डाटा याद रखना और बी आंसर याद हो जाएगा. हॉटस्पॉट द इंडिया आर वेस्टर्न घाट इन श्रीलंका, इंडो वर्मा, हिमालय, नेगरी कंट्री. डी आंसर हो जाएगा. ठीक है, डी आंसर हो जाएगा. 64. IUCN has a headquarter at Gland, Switzerland. कहाँ है? Gland, Switzerland. कोई कंफ्यूजन नहीं है, याद रखना. Gland and Switzerland आंसर होगा. 65. The concept of hotspot was given by Norman Mayer. किसने दिया? Norman Mayer ने दिया ये concept. Norman Mayer. Paul Liklik ने दिया, David Tillman ने दिया, E.P. Odom ने दिया, नहीं दिया. आंसर इज ए. Match the column 1 and 2. Critically endangered, endangered, vulnerable. जल्दी आंसर बता दीजिए क्या होगा. 66 का क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो पिग्मी हॉग ये याद कर लेना. और इंडेंजर्ड में ग्यांट पांडा, वल्नरेबल में ब्लैक बक और एक्सटिंक्शन इंडियन चीता. बिल्कुल कगार पे है, ये भी जा सकता है. एक्सटर्पेशन. सी आंसर बिल्कुल. कुछ लोग करें सिक्स का सी. अच्छा, बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते हैं, कंफ्यूज हो जाए आदमी एक बार सोचने के लिए कि कौन सा आंसर कर रहे हैं. 67. द की क्राइटेरिया ऑफ द एस्टेब्लिशिंग ए हॉट स्पॉट इज हाई डिग्री एंडेमिज्म, हाई बायोडाइवर्सिटी, एंड डिग्री ऑफ थ्रेट मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू हैबिटेट लॉस. सबसे जो ज्यादा पाया जाएगा वहीं से ज्यादा लॉस होगा, वहीं पे ज्यादा एंडेमिज्म होगी, कहीं और कम पाई जाएगी. 68 का क्वेश्चन भी मैच कराइए बैठ के और आंसर बताइए. बताइए 68. हाईएस्ट कंसर्न टू लोवेस्ट कंसर्न. Highest concern to lower. पर देखिए extinct in wild, extinct in wild. ठीक है, पहला सही हो जाएगा, first. यानी पहला हमारा क्या हो जाएगा? EW. उसके बाद critically endangered, CR. EW CR, EW CR, EW CR, EW CR. B answer. बाकी match कर लेना सारा. ठीक है, आगे आपके पास आ जाएगा EN, आ जाएगा endangered, उसके बाद आ जाएगा vulnerable, है ना, उसके बाद आपके पास आ जाएगा near threatened और उसके बाद आ जाएगा least concern, है ना. तो B answer. चलिए find out the odd one with respect to ecosystem. Odd one with respect to ecosystem services, sorry. तो oxygen, pollinator and aesthetic pleasure, food and erosion control. ये नहीं पढ़ा 69 में. इथिक्स, इथिक्स तो नहीं आएगा इकोसिस्टम सर्विसेज में, ये तो बिल्कुल नहीं है. बाकी तीनों तो चलो एक बार सोच सकते हैं. इथिक्स तो नहीं आएगा, है ना, इथिक्स उथिक्स नहीं आएगा भैया. चलो आगे बढ़िए. 70. बायोडाइवर्सिटी, बायोपायरेसी, बायो रेमेडिएशन, बायो प्रोस्पेक्टिंग. आंसर चाहिए होगा, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से आंसर बता दीजिए. बायोडाइवर्सिटी का जल्दी से आंसर बता दीजिए. बायोडाइवर्सिटी का सबको मैच करा दीजिए. 70. तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज रीजन, ए का थर्ड. बी इंडिजिनियस नॉलेज ऑफ नेचर ओरिजिनेटिंग विद इंडिजिनियस पीपल यूज्ड बाय अदर नेशन फॉर प्रॉफिट. बिल्कुल बी का फर्स्ट.
तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर, बायो रेमुनरेशन सुधार करेंगे और बायो प्रोस्पेक्टिंग की भी बात करेंगे। डी का सेकंड, डिस्कवरी एंड कमर्शलाइजेशन, डी का सेकंड, तो डी आंसर कर दीजिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा डी आंसर। चलिए 71, द एनवायरमेंटल एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1986, कब पास हुआ 1986 में पास हुआ, कब हुआ 1986 में, जल्दी से आंसर करिए। मैंने नोट कर रखा है, उसको भी देख लो मैं क्या है, 1986, बिल्कुल ठीक है। चलिए कोई भी आंसर नहीं कर रहा है, चलिए आप लोग नहीं कर रहे तो मैं भी फटाफट आंसर बता देता हूं सबके। Which of the following represent the quantitative pollutants? Quantitative pollutants की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आंसर आएगा CO, CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये सवाल पूछा गया था वैसे, सबके सब होंगे, क्वांटिटी इनकी मैटर करती है, ज्यादा होंगे तो पॉल्यूटेंट्स होंगे। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन लेयर की अगर बात करें तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन लेयर बैड बिकॉज ये नीचे आके हमें तकलीफ करेगी। दिस ओजोन इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट लाइक, किसके किसके साथ, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके आपको नुकसान पहुंचाएगा ये, ठीक है। चलिए अगला आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ पॉल्यूटेंट्स, द ऑर्गेनिज्म एक्सपोज टू द पॉल्यूटेंट। मुझे ये सारे सही लगते हैं, जितनी देर तक रहेंगे उतनी देर तक वो नुकसान ही पहुंचाएगा, सब सही है। हाउ पराक्सिली एसिटिल नाइट्रेट विच इज टाइप ऑफ पराक्सिल नाइट्रेट इज फॉर्म्ड, अब ये कैसे बनता है, आपको ये केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा कि ये कैसे बनता है। फ्री रेडिकल रिएक्शन कैटलाइज बाय द यूवी रेज ऑक्सीडाइज अनबंड हाइड्रोकार्बन टू क्रिएट पराक्सीज रेडिकल विच कंबाइंड विद द NO2 टू फॉर्म पैन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और ऐसे ही बनता है ये, ठीक है। अब ये पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट कैसे बनता है ये आपको पढ़ना चाहिए मेरे लिहाज से। सल्फर डाइऑक्साइड इनहिबिट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स, कॉजेज फियोफाइटिनाइजेशन इन द लाइकेन, कॉजेज एसिड रेन, हमने तो एसिड रेन पढ़ा था और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को भी इनहिबिट करता है। अच्छा अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करेगा तो फियोफाइटाइजेशन को भी कर देगा, एल्गी को अपना काम नहीं करने देगा, यानी डी आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आंसर हो जाएगा, ठीक है सही। सेड्रोसिस सिलिकोसिस बाइसिनोसिस एस्बेस्टोसिस, चारों याद जरूर कर लेना एक बार, ये पूछा जाता है डॉक्टर साहब, चारों याद कर लेना। सेड्रोसिस आयरन, सिलिकोसिस स्टोन डस्ट, बाइसिनोसिस कॉटन डस्ट एंड एस्बेस्टोसिस एस्बेस्टस, तो डी का सेकंड तो होना ही होना है और ए का फोर, तो बी आंसर डी आंसर हो जाएगा। 78, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज्ड टू रिमूव SO2 पार्टिकुलेट मैटर CO पॉल्यूशन, SO2 को बेसिकली करते थे इसमें, है ना, SO2 को बेसिकली करते थे, वो गैसियस वाले से करते थे, सॉरी पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर वॉज रिमेन इन एयर फॉर वीक इज, सस्पेंडेड कितना माइक्रोमीटर, बहुत कम होता है, असल में ये 10 माइक्रोमीटर लिखा है, ये भी 10 लिखा है, ये भी 20 लिखा है, 20 लिखा है, इसको ऐसे कर लीजिए लेस देन और इसको कर लीजिए मोर देन और अब आंसर कर दीजिए ए, ठीक है बच्चों थोड़ा करेक्ट कर लो इसको, ये 10 से कम होता है। अगला कैटालिटिक कन्वर्टर
इन व्हीकल हैव कॉस्टली मेटल लाइक प्लेटिनियम प्लेटिनम पैलेडियम रोडियम. ठीक है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट ये. देयर आर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एक्ट पास इन द 1981. ठीक है, नॉइज लेस देन 80 डेसिबल कॉज नॉइज पॉल्यूशन. नो, ग्रीन मफलर स्कीम रिड्यूस द नॉइज पॉल्यूशन. ठीक है, ये लेड फ्री पेट्रोल रिमूव साउंड पॉल्यूशन ऑफ द व्हीकल कंप्लीटली. साउंड नहीं, गलत. तो बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा. किसी ने किया बी आंसर? नो नो आयुष तिवारी, नो. 81 में आंसर बताइए. 81 एब्जॉर्ब शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन, एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, डू नॉट एब्जॉर्ब रेडिएशन. बिल्कुल एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम अर्थ की बात करते हैं तो उस पर. 82 का आंसर जल्दी से बताइए. 82 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्वेश्चन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड स्ट्रिंजेंट नॉर्म फॉर द ऑटोमोबाइल फ्यूल फॉर रिडक्शन इन SO2 एंड एरोमेटिक कॉन्टेंट. एरोमेटिक कॉन्टेंट, तो आंसर इज ए एट देयर. किसी ने किया? 81, 82 जो भी हो, ए आंसर. चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट. वाटर पॉल्यूशन इज बेस्ट डिटरमाइंड बाई टर्बिडिटी एंड BOD. टर्बिडिटी, अभी टर्बिडिटी क्या होती है, केमिस्ट्री का टर्म है, आराम से पढ़िएगा जाके. टर्बिडिटी एंड BOD, BOD आप अच्छे से जानते हैं. एसिड रेन इज द मिक्सचर ऑफ, एसिड रेन इज द मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड HNO3. ये भी केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, H2SO4 एंड HNO3. जहरीला होता है, नुकसान कर सकता है आपके. द डायग्राम प्रोवाइडेड बिलो जस्ट टू रिमूव व्हिच टाइप ऑफ पॉल्यूशन, व्हिच टाइप ऑफ, यहाँ पे तो क्या रिमूव करेंगे, डर्टी एयर एंड क्लीन एयर, यानी गैसियस पॉल्यूशन को रिमूव करेंगे. डर्टी एयर एंड क्लीन एयर यानी गैसियस को रिमूव करेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कैन रिमूव ऑन पर्टिकुलर मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट, 99% रिमूव कर देते हैं. 87 कार्बन मोनोऑक्साइड हैज 200 टाइम्स मोर एफिनिटी विद द ऑक्सीजन देन द ऑक्सीजन. 200 गुना ज्यादा, 200 से 300 गुना होती है, याद रखिएगा. 88 व्हिच वन ऑफ द नॉट द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन फॉलिंग द वाटर बॉडीज, क्या इफेक्ट नहीं है वाटर बॉडीज पे, जल्दी से बताइए. इंक्रीज NO3 एंड SO4, क्योंकि NO3 SO4 होता है. डिक्रीज इंसेक्ट पॉपुलेशन, नुकसान भी होगा हम अगर इंसेक्ट पॉपुलेशन घट जाएगी तो. इंक्रीज टेरेस्ट्रियल फंगल ग्रोथ, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगा ये, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा ये, फंगल ग्रोथ को बढ़ा नहीं पाएगा. द मोस्ट डेंजरस ऑटोमोबाइल पॉल्यूटेंट्स आर, 89 सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है, लेड ऑटोमोबाइल पोल्यूटेंट है ये और सबसे ज्यादा हमारे लिए खतरनाक है. 90 वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट वॉज 1974, याद करने वाली बात है भैया ये, 1974. भारत स्टेज इज इमिशन नॉर्म्स रिड्यूसेस टू, रिड्यूसेस टू नॉर्म टू रिड्यूस, नॉर्म टू रिड्यूस. अब यहां पे ये जो ये छुप गया इधर ना, ये किसी का ऑप्शन होगा तो देखना पड़ेगा क्वेश्चन मुझे. पहला ऑप्शन ही गायब लग रहा है. ये देखिए बेटा, ये पहला ऑप्शन है N2O एंड NO2, इसको थोड़ा सही कर लो बेटा. ये टाइपिंग में हो जाता है क्योंकि रोज बन रहा है ना, डेली तो हो जाता है ये, आप समझदार हैं. तो आंसर इसका बताओ जल्दी से. फिलहाल आंसर का इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट फिर भी सही बात पता होनी चाहिए. ये इधर चला गया गलती से. तो N2O एंड NO2, और ये आपका बी आंसर, एरोमेटिक कंपाउंड एंड सल्फर. पीछे अभी हमने कहा था सल्फर एंड एरोमेटिक कंपाउंड, तो वही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा अलग हो गया था, और बेचारा कुछ ज़्यादा ही अलग हो गया. द डायग्राम प्रोवाइडेड बिलो टू रिमूव, अब देखिए पीछे हमने गैसेस वाला कहा था, अब मैं आपकी मदद कर दे रहा हूँ, ये वाला पर्टिकुलेट मैटर हो जाएगा. कौन सा हो जाएगा? पर्टिकुलेट मैटर हो जाएगा. ठीक है सर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ द वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं. मोटर व्हीकल इक्विप्ड विद कैटलिटिक कन्वर्टर शुड यूज अनलीडेड पेट्रोल बिकॉज लेड इनएक्टिवेट कैटलिटिक कन्वर्टर. जो लेड होता है ना, ये कैटलिटिक कन्वर्टर क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है. ये लाइन NCERT ने लिखी है. और कैटलिटिक कन्वर्टर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल कर लेता है. देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है, एक बच्ची को ये बॉक्स से बोलती बहुत बड़ा सवाल है, तो यहाँ पे आज करना है इसको, है ना. तो पांच सेंटेंसेस दिए हैं आपके, देखते हैं. कैटलिटिक कन्वर्टर कन्वर्ट अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन टू CO2 एंड H2O. कैटलिटिक कन्वर्टर कन्वर्ट कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रिक एसिड CO2 एंड N2. ऑटोमोबाइल आर द मेजर कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड? नो,
इन द मेट्रोपोलिटिशन सिटी मेट्रोपोलिटन सिटीज, तो ये गलत हो जाएगा. प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल अलॉन्ग विद द यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल डीजल कैन रिड्यूस द पॉल्यूटेंट्स. ओके ठीक है. इन इंडिया द एयर एक्ट केम इन टू द फोर्स इन 1991 एंड अमेंडेड इन 1987 नॉइज टू एयर द पॉल्यूटेंट्स व्हिच इज द करेक्ट. तो 1, 2, 4, 5 सही है. ए आंसर सही हो जाएगा हमारा. अच्छा सवाल है ये. स्नो ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय, स्नो ब्लाइंडनेस एंड कैटरेक्ट कॉज्ड बाय अल्ट्रावायलेट बी, यूवी बी, डेंजरस है. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय एरोबिक बैक्टीरियम टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक कंपाउंड ए गिवन सिंपल ऑफ. ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा और इजिली हम लोग इसका आंसर करके बढ़ जाएंगे आगे. बेहतर सवाल, बेहतर सवाल. जब सवाल कॉन्सेप्चुअल होता है तो वहां पर रुकना नहीं होता डॉक्टर साहब. द फॉलोइंग इज नॉट द इनकरेक्ट. बीओडी इज सिमिलर टू द फंक्शन सीओडी एंड इन द बोथ द मेजर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एज वेल. बिल्कुल नहीं. ये नॉट, ओहो नॉट इनकरेक्ट मतलब करेक्ट. और भी देख लेते हैं. सीओ टू एक ऑक्सीजन ऑफ फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड. नहीं, BOD is similar in function to COD in the both measure the amount of organic compound in the water. चलिए आंसर बताइए जल्दी से इसका. 97 का जल्दी से आंसर बताइए. मुझे भी सी लग रहा है इसमें आंसर, मुझे भी सी लग रहा है. और क्योंकि इसमें एक बार ए भी चेक कर लेना, ए भी थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है बट सी ज़्यादा ठीक लग रहा है. ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक, ऑलमोस्ट कह के कन्फ्यूज कर रहा है. ऑल ही होना चाहिए बट चलो सी कर देते हैं. ए भी ठीक है लेकिन ध्यान रखिएगा सी भी ठीक है. सी कर देते हैं. आइडेंटिफाई द ए बी एंड ग्राफ गिवन बिलो. ग्राफ को कैसे करेंगे, ग्राफ को कैसे करेंगे जल्दी बताना. ग्राफ को कैसे करेंगे. ए आपका क्या है, ए क्या है. केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. बेहतर क्वेश्चन, बेहतर क्वेश्चन. बी एंड सी बोथ इज द करेक्ट आंसर. देखिए ए हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन है डीओ, और जो बी है डॉक्टर साहब बी, ये बीओडी भी हो सकता है. कुसुम पांडे जी थोड़ा सा रुकवा करो, हर चीज़ में हर सवाल में रिस्क नहीं लेते. बीओडी भी हो सकता है और सीओडी भी हो सकता है. खेल अच्छा है सवाल का. आंसर इज डी. बेहतर क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन. द फाइटोप्लैंकटन एंड जू प्लैंकटन एब्जॉर्ब डीडीटी इन देयर. फाइटोप्लैंकटन एंड जू प्लैंकटन एब्जॉर्ब डीडीटी इन देयर. फैट एंड ऑयल्स, फैट सॉल्वेबल, फैट एंड ऑयल्स. द मेजर सोर्स ऑफ फॉस्फेट एंड नाइट्रेट पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज इन थ्रू द डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर. कैसे करेंगे एंट्री, डिटर्जेंट और फर्टिलाइजेशन से एंट्री होगी. यूट्रोफिकेशन इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ आर्टिफिशियल और द नेचुरल न्यूट्रिएंट मेनली फॉस्फेट नाइट्रेट. मोर प्रिसिसली हाइपर ट्रोफिकेशन रिजल्ट इन एल्गल ब्लूम. आंसर इज डी. आर्टिफिशियल और नेचुरल न्यूट्रिएंट मेनली फॉस्फेट नाइट्रेट. वन जीरो वन का आंसर बताइए. 98 बहुत पीछे छूट गया. डी होगा इसका, डी होगा, डी होगा. चलिए 02 102. कैडमियम ब्रेन किडनी एंड लीवर डैमेज. कैडमियम इटाई इटाई बोलते हैं शायद, इटाई. तो वन का, ए का सेकंड. कॉपर हाइपरटेंशन यूरेमिया लेड
ब्रेन किडनी लीवर बहुत खतरनाक होता है, मरकरी मिनी माटा, तो ए का सेकेंड और डी का फर्स्ट ये तो याद होता है, इसी से आंसर कर देंगे, डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। 103 जल्दी बताइए, 103 चिपको मूवमेंट किसने स्टार्ट करा, वॉज स्टार्टेड इन मार्च 1774 गोपेश्वर इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, वॉज चंडी प्रसाद भट्ट ऑफ द गोपेश्वर एंड सुंदरलाल बहुना ऑफ द टेरी रीजन। इट इज कंप्लीटली डिफरेंट द टर्म्स ऑफ एम्स एंड कंपेरिजन टू द एपिको मूवमेंट। एक सौ तीन में तो दोनों सही लग रहा है ना, इसमें ए और बी इंफॉर्मेशन बेसिस क्वेश्चन है भैया, अगर ये डिस्ट्रिक्ट उस्ट्रिक थोड़ा इधर उधर होगा तो दिक्कत हो जाएगी, वैसे सी सही लग रहा है। वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड जुलाई, जुलाई शायद फरवरी और जुलाई में मनाया जाता है वन महोत्सव, है ना, फरवरी और जुलाई में। एक्युमुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड और द अदर एक्युमुलेशन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, लोग बायो मैग्निफिकेशन करेंगे, ये गलत आंसर होगा, बायो एक्युमुलेशन होगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक लेवल जैसी कोई बात नहीं करी है, एक बेहतर सवाल हो सकता है एग्जाम में आने पे, याद रखिएगा बायो एक्युमुलेशन। 106 द एक्युमुलेशन ऑफ द पेस्टिसाइड और अदर पॉल्यूटेंट इन ऑर्गेनिज्म इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन अलॉन्ग विद द फूड चेन एट द हायर ट्रैफिक लेवल इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन, अब आया आंसर बायो मैग्निफिकेशन, इसीलिए उस सवाल को मैंने डाला था। 107 व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, CO2 बढ़ जाएगा, डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, सब बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही, डी आंसर, जल्दी से आंसर बताइए, डी आंसर हो जाएगा। 107 हॉट वाटर इट इज टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट, यस इनपुट इन नेचुरल वाटर बॉडीज रिड्यूसेस द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये भी कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है। इनपुट इन नेचुरल वाटर बॉडीज कॉजेस डैमेज टू इंडिजिनियस फ्लोरा एंड फौना, यस ऑल इज ऑल रिलेटेड टू दिस, सारे के सारे सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मासस, 60 याद आया, 60 फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मासस, बहुत अच्छा प्रोग्राम था ये, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। इकोसान टॉयलेट वर्किंग इन केरला एंड श्रीलंका, इट इज सस्टेनेबल सिस्टम ऑफ हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा यूजिंग अ ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट एंड रिसाइकल ह्यूमन एक्सक्रीटा इनटू नेचुरल फर्टिलाइजर एंड कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन टू ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल, तो ये डी आंसर हो जाएगा इसमें। इकॉर्निया क्रिसिपस टेरर ऑफ बंगाल बिकॉज इट ड्रेन्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, इट इज हाईली इन्वेजिव टेरेस्ट्रियल वीट, यही सही लग रहा है। इट इज कॉजेज यूट्रोफिकेशन, ये भी ठीक है, एग्जॉटिक है, एग्जॉटिक है ये, इसलिए भी आंसर हो जाएगा, एग्जॉटिक है ये, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू द फीकल मैटर इंडिकेटेड बाय इसेरिशिया कोलाई, 112 का ए, इसेरिशिया कोलाई। फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच, पॉजिटिव सॉइल पॉल्यूशन एडिशन ऑफ पेस्टिसाइड, पॉजिटिव सॉइल पॉल्यूशन ठीक है, नेगेटिव सॉइल रिमूवल ऑफ टॉप लेयर हटाने पे हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। ई वेस्ट रेडियो एक्टिव वेस्ट हॉस्पिटल वेस्ट इंसिनेटर्स, ई वेस्ट रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अलग बात है और रेडियो एक्टिव वेस्ट अलग बात है, तो सी आंसर होगा। इंसिनेरेशन इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ पायरोलिसिस एज इट इज कंट्रोल्ड एरोबिक कंबशन, ये क्या है, ये क्यों अलग है, क्योंकि ये कंट्रोल्ड एरोबिक कंबशन है, इसलिए ये पायरोलिसिस से अलग होता है, और पायरोलिसिस में ऑक्सीजनेशन मतलब ऑक्सीजन नहीं होता है, वो एनरोबिक कंबशन है। सैनिटरी लैंडफिल आर नॉट वेरी रिलायबल मेथड फॉर द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, क्यों, एक साथ सब इकट्ठा करके उसको गार्बेज को दबा दिया जाता है, इसलिए बहुत ही रिलायबल नहीं है ये, ड्यू टू जनरेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज स्पेशली इन द मेट्रो सिटीज, बहुत जल्दी भर जाता है ये। द टॉक्सिक गार्बेज की अगर हम बात करें कैन पोल्यूट द अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, इसलिए ये बहुत ही रिलायबल मेथड नहीं है कि हम इसके भरोसे बैठे रहें और कोई और प्रोग्राम ना बनाए, तो बनाना चाहिए। वाई प्लास्टिक्स आर नॉट इको फ्रेंडली, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लेता है और ये पोल्यूट्स करता है सॉइल और वाटर दोनों को, तो भैया ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो आंसर इज डी। द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ द इंडिया हैज रिकमेंडेड, क्या रिकमेंड किया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने, 33% फॉरेस्ट कवर्स फॉर द प्लेन एंड 60% फॉर द हिल्स, तो
3367, तो बी आंसर हो जाएगा बच्चों, ये याद रख लीजिएगा, ये घट गया है डाटा। के पॉलीब्लेंड इज ब्यूटामिन प्लास्टिक मिक्सचर, इंक्रीज रोड लाइफ, वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मिस्टर अहमद खान जी, तो आंसर इज डी हो जाएगा, है ना। चलिए 19, विच चैरिटी इज रिलेटेड टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ओजोन डेवलपिंग सब्सटेंस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा इन द 1987 एंड इफेक्टिव इन द 1989, यही तो था जिसमें हम ODS को कम करने की बात करें। ODS मतलब क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह की बात करें। ODS जो होता है वो ऑक्सीजन डिप्लेटिंग सबस्टेंस, जो ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है, सॉरी ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टेंस, तो ए हो जाएगा। 20, नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री फॉर द डिस्कवरी ऑफ ओजोन होल, ओजोन होल की डिस्कवरी के लिए और ओजोन डिप्लेशन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला मोलिना को, कर्टजन को, रालैंड को, बिल्कुल तीनों लोगों को एक साथ मिला था, मैक्सिमम तीन लोगों को नोबेल प्राइज मिलता है। Which gas was responsible for Bhopal gas tragedy, which leaked from the Union Carbide factory? Methyl isocyanate. 2-3 December 1984. Which of the following is correct? Radioactive radiation causes mutation. Radioactive radiation causes cancer. Radioactive waste is shielded in container buried 500 meter deep. All of these. ये लाइन NCERT की है और ऐसे लाइनों पर हम लोग कहाँ रुकते हैं, स्पीड ही नहीं रुकती हमारी, इतनी तेज होती है, आप लोग तो जानते हैं ना, आप हमारी मतलब आपकी, हमारा मतलब आप होता है। द हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब इज रन बाई, हेडेड बाई रमेश चंद्र डगर, 5000 किसान का यूनियन है इनका। कोबाल्ट 60, मार्क कर लो भैया 24 को जल्दी से, ए का 4 यूज इन ट्यूमर थेरेपी, ए का 4। आयोडीन की अगर साथ बात करेंगे तो बी का 3rd हो जाएगा, बी का 3rd। डैमेज लिम्फ नोड, तो बी का 3rd, इसी को मैच करा लो, ए का 4, बी का 3rd। सीजियम जो आपका है ये रिप्लेस पोटेशियम एंड सोडियम इन मसल्स, एंड डी स्ट्रोंसियम जो आपका है ये रिप्लेस कैल्शियम इन बोन एंड कॉजेज बोन कैंसर एंड ल्यूकेमिया, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर मैच कराना, फालतू के सवाल जब बनेंगे तो ये पूछे जाएंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, जब ग्रीन हाउस गैसेज जब बढ़ती हैं तो आइस कैप मेल्ट कर जाएगा, CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट बढ़ जाएगा। CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट जानते होंगे, CO2 के बढ़ने से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस की रफ्तार बढ़ जाती है। राइजिंग ऑफ द सी लेवल एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे के सारे लाइनें NCERT से ली गई हैं और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज, ठीक लग रहा है ये, अंग्रेजी बढ़िया लिखी है। मॉनिटर एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन, प्रोवाइड एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड अथॉरिटी ऑन द क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल सारे के सारे सही हैं। ये जो IPCC है ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है और जो मॉनिटर करता है ग्रीन हाउस गैस के कंसंट्रेशन को और उनके नुकसान और फायदे जो होते हैं उनको। गुड ओजोन, अब गुड ओजोन है तो ये जाहिर सी बात है हमें फायदा करेगी। इज फाउंड इन, गुड ओजोन कहाँ पाई जाएगी, तो फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर और ये हमें यूवी रेज से बचाएगी, तो प्रोटेक्ट लिविंग फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेज, जिसमें कैटरेक्ट और स्टोफलाइजर्स की बात हमने करी थी उससे बचा लेगा, तो आंसर इज सी एट देयर। लास्ट क्वेश्चन, ओजोन होल इज मार्क्ड ओवर अंटार्कटिका रीजन लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर, याद रखिएगा अंटार्कटिका रीजन लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और ओजोन डे 16 सितंबर, ये भी याद रखना, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो ये था आज तक आज का हमारा इकोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन और हमने इकोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इतने मेन मेन जो था, यानी 12th में सिर्फ 2 चैप्टर छोड़ के 14 चैप्टर और 11th में 7 चैप्टर्स हमने पढ़े, लगभग 21 चैप्टर्स के क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं जो मेन टॉपिक हैं। अब हमारा बेसिक फोकस NCERT के क्वेश्चंस पे होगा, 11 बजे और 4 बजे दोनों समय में होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छे से कॉपरेट करने के लिए और क्वेश्चन के बिहाफ से अगर आप कोशिश करेंगे तो गलतियां आपसे नहीं होंगी। नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते रहिए, NCERT पे विशेष फोकस करिए, खुश रहिए एंड हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच टू यू सौम्या जी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आज तक के लिए आपको। और एक बात लास्ट में कहना चाहूँगा, NCERT और क्वेश्चंस के साथ जुड़े रहिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब नीट के करिए तो उसमें देखिए कि किस टॉपिक से पूछा गया है, उसके आसपास के टॉपिक्स को जरूर पढ़िए। 2019, 18, 17, 16 और 15, इसमें 14 तक
14 15 16 17 18 19 तक, इस पे बेसिस फोकस रखिए, इनके आसपास के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। हम अब हमारी जो स्ट्रेटजी है आज से लेके और 10 तारीख तक या 11 तारीख तक, 11 तक ही कोशिश करेंगे हम कराने की, 11 12 तक जो भी आपके पास है, तब तक के लिए हमारा पूरा फोकस एनसीईआरटी पे होगा। अगर उसमें आप कुछ ऐड ऑन कराना चाहते हैं, एक आध घंटे की कोई बात आप हमसे कहना चाहते हैं कि सर ये भी करा दीजिए, तो हम उसके लिए भी अवेलेबल हैं। दूसरी चीज़, आपका कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए और मुझे फ़ोन कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, फ़ोन कर लीजिए, क्योंकि हर बात टाइप करके बता पाना संभव नहीं है। अगर मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ तो मैं नहीं बता पाऊँगा, उसके अलावा अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपका फ़ोन भी उठाऊँगा और आपको बताऊँगा भी। दूसरी बात, एडमिट कार्ड को लेके मैं एक अलग से वीडियोस बनाने वाला हूँ, आपको बता दूँगा कि क्या क्या करना है। तो एडमिट कार्ड आप अभी डाउनलोड कर लीजिए, संभव हो तो, जो ज़रूरी है बहुत आपके लिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, उसमें कुछ फ़ोटोज़ की बातें हैं उनको देख लीजिए एक बार, 3 पेज का एडमिट कार्ड है, 10 मिनट लगेगा, पढ़ लीजिए। कोई ऐसी चीज़ जो आपके पास उपलब्ध नहीं है उसको व्यवस्थित कर लीजिए। कुछ और भी चीज़ें हैं वो हम लोग अलग से एक वीडियोज़ में आज से कल दोपहर तक मैं बना के आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।